की है। जब ट्रंप मुझे बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से भारत में लौटे और जब वो महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब विदेश से पढ़ाई कर कर आ रहे हैं, तो क्यों ना उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि मेरे साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार होगा और महाराष्ट्र के लोगों ने इतना बड़ा इतना विशाल मंच लगाया है, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम में चलूं और अपनी आंखों से उस पल को देखूं, महसूस करूं कि मेरे महाराष्ट्र के लोग किस तरह से मेरे साहब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब माता रमाबाई ने बाबा साहब के कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू की तो उनके पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसे पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। उन्हें याद आया कि पर साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप उनको एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने पूरा घर खंगाला और ट्रंक में वो पगड़ी रखी मिल गई। उन्होंने ट्रंक से वो पगड़ी निकाली और जहाँ जहाँ माता रमाबाई की साड़ी फटी थी उस साड़ी पर उस पगड़ी को लपेट कर माता रमाबाई बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंची। अब मेरी बहन एक बात बताइए, जब आपके पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, एक बड़ा सा मंच लगा हो, तो आप कहाँ होंगी? बताइए कहाँ होंगी आप? अपने पति के साथ में मंच पर होंगी? ऐसा ही है ना? आवाज नहीं आ रही आपकी? मंच पर होंगी ना? अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी हुई है तो पहली पंक्ति में होंगी। अगर पहली में भी नहीं है हम मान लेते हैं तो दूसरी में होंगी, तीसरी में होंगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, नहीं मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी पहली लाइन में नहीं थी, दूसरी में नहीं थी, तीसरी में नहीं थी। यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ वहां पर जुटी थी, दूर दूर तक माता रमाबाई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी मन से भाषण दे रहे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे, पूरी भीड़ में निहार रहे थे कि कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। लेकिन बाबा साहब का भाषण जैसे जैसे अंतिम छोर पर जाता रहा, बाबा साहब बड़े भावुक होते रहे, लेकिन दूर दूर तक उन्हें माता रमाबाई दिखाई नहीं दी। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे, एक पेड़ था और पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, बाबा साहब की नजर वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है, उस पेड़ के पीछे जो महिला है जो चुपके से निहार रही है, वो कोई और नहीं, वो मेरी रामू है। और बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधा माता रमाबाई के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे और बाबा साहब ने माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोला कि रमा रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरे लिए आभूषण नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सम्मान सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से एक सुंदर और अच्छी चमकीली साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको आज शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलता। माता रमाबाई भी समझ गई, माता रमाबाई भी समझ गई। तो मेरी बहनों आप देखिए, जिस माता रमाबाई ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कीमती, कभी कोई अच्छी साड़ी नहीं पहनी, उस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज मेरे भारत देश की महिला, मेरे बहुजन समाज की महिला लेकर एक एक लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। ये बलिदान है माता रमाबाई का। मैं नतमस्तक होती हूँ माता रमाबाई के सामने और मेरी बहनों आपसे भी उम्मीद करती हूँ, जिस दिन आपने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष को पढ़ लिया और उनके संघर्ष को अपने व्यवहार में उतार लिया और जिस दिन आपने 10% भी अगर माता रमाबाई जी के जीवन संघर्ष को जीना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं यहाँ पर एक गारंटी से कहकर जा रही हूँ कि हम एक अम्बेडकर की तो बात लगातार करते हैं, लेकिन जिस दिन आपने माता रमाबाई बनकर उनके जीवन समर्पण त्याग को समझकर उसका जीना भी शुरू कर दिया ना, तो इस देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है मेरी बहनों उस त्याग समर्पण कुर्बानी और बलिदान को समझने की, क्योंकि मैंने कहा हम जय जयकार तो बहुत कर लेते हैं।